Hello everyone, I Tanisha Yadav welcome you all to our 22nd lecture of forestry. आज के हम अपने इस लेक्चर में मैनग्रोव एंड कोल डेजर्ट्स को डिस्कस करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हम अपने इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को देखने वाले हैं. तो डियर व्यूअर्स, आज के हम अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट की. तो मैनग्रोव फॉरेस्ट में हम पहले देखेंगे कि मैनग्रोव्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनग्रोव्स इन इंडिया की, फिर रोल ऑफ मैनग्रोव्स की, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर एडाफिक फैक्टर्स को देखेंगे, और फिर हम देखेंगे मैनग्रोव वेजिटेशन और उनकी क्लासिफिकेशन को, उसकी सक्सेशन को और उसकी जोनेशन को, फिर हम बात करेंगे उसके इन्यूमरेशन टेक्निक्स के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से मैनग्रोव की रीजनरेशन की जाती है, और इसके अंदर हम बात करेंगे नेचुरल रीजनरेशन की, आर्टिफिशियल रीजनरेशन की, ठीक इस तरीके से. तो डियर व्यूअर्स, आज के हम अपने इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैनग्रोव वाले पार्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और हम अपने आने वाले लेक्चर में कोल डेजर्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. डियर व्यूअर्स, हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाए, जैसे कि मैं आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट आते हैं मैं उनको कंसिडर करती हूँ, बट डियर व्यूअर्स, अगर मैं लेक्चर जो है लेंदी नहीं रखूँगी तो आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म नहीं हो पाएगा. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और लेक्चर अगर लेंदी है तो भी आप उसको एंड तक देखिए, बिकॉज इट इज़ ऑफ योर सेक, ये आपकी भलाई के लिए है. और जो जेन्युइनली ACF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं देखती हूँ कि मुझे बहुत सारे जेन्युइन कमेंट्स भी आते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो वो तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपको ACF बनना है, आपको फॉरेस्टर बनना है, राइट. तो मुझे पता है कि जो जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं वो लेक्चर को एंड तक देखेंगे, बट फिर भी कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको ये रहता है कि मैं लेक्चर जो है वो शॉर्ट बनाऊं, तो शॉर्ट बनाने से जो है आपका सिलेबस है वो छूट जाएगा. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस लेक्चर की तरफ और बात करते हैं मैनग्रोव्स की. तो अगर मैं मैनग्रोव की बात करती हूँ तो मैनग्रोव्स बेसिकली क्या होते हैं, वो एक तरीके का श्रब है, स्मॉल ट्री है, जो कि कहाँ पर ग्रो होता है, कोस्टल एरियाज में, यानी कि जो आपके सी एरियाज होते हैं वहाँ पर जो भी स्पीशीज ट्रीज जो भी ग्रो कर रहे होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, मैनग्रोव्स कहलाते हैं, ओके. और इस टर्म, ये जो टर्म है मैनग्रोव्स, इनको हम ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन के, मतलब ऐसा ट्रॉपिकल कोस्टल जहाँ पर ऐसी वेजिटेशन होती है उन स्पीशीज की जो कि सिर्फ और सिर्फ सी एरियाज में, कोस्टल एरियाज में ग्रो कर रहे होते हैं, ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, मैनग्रोव्स कहते हैं, ठीक. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका, अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर मैनग्रोव्स, तो मैनग्रोव्स जनरली क्या होते हैं, दे आर सॉल्ट टॉलरेट प्लांट्स, जो कि सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं. इसलिए मैंने आपसे क्या कहा कि वो सारे श्रब्स और स्मॉल ट्रीज जो कि कहाँ ग्रो करेंगे, सी एरियाज में, कोस्टल एरियाज में ग्रो कर रहे होंगे, ऐसी स्पीशीज को हम मैनग्रोव्स कहते हैं, ग्रोइंग इन द स्वैम्पी मड ऑफ कोस्टल एरियाज. फिर वो कैसे, इंटरटाइडल जोन्स ऑफ रिवर माउथ, लगून्स एंड क्रीक्स विच फॉर्म द एस्चुरीज वेयर रिवर वाटर मिक्सेस विद सी वाटर. तो वो ऐसे कंडीशन पर क्या करते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं. इंटरटाइडल जोन्स जो होता है आपके रिवर माउथ का, लगून्स का, ये सारे आपके ज्योग्राफिकल टर्म है, ये आपने ऑलरेडी अपनी ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है. फिर हम देखें तो जो एवरग्रीन मैंग्रोव ट्रीज और श्रब्स होते हैं वो एक साथ असेंबल होते हैं टू फॉर्म डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट अलोंग द सी शोर. जैसे देखिए यहाँ पर ये आपको सी शोर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आसपास जो है वो मैंग्रोव्स है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी चिल्का लेक विजिट किया होगा जो कि पुरी में है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि आप 20 किलोमीटर्स का जो लेक है उसको जब आप क्रॉस करते हैं तो बहुत ही सुंदर व्यू आता है, समंदर का व्यू आता है, और उसके आसपास जो है आपको इसी तरीके के श्रब्स, स्मॉल ट्रीज दिखाई पड़ते हैं, तो वो आपके क्या है, एक तरीके के मैनग्रोव्स हैं, ओके, दे आर मैनग्रोव स्पीशीज.
चलिए अब हम इकोलॉजी ऑफ मैंग्रोव्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इकोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि वो किस तरीके से वहाँ के इकोसिस्टम को मैंग्रोव जो है सपोर्ट करता है, उसका क्या रोल होता है उसको देखते हैं। तो मैंग्रोव जनरली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है लिटोरल प्लांट फॉर्मेशन का, कहाँ के ट्रॉपिकल के, तो जो सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्टलाइंस होते हैं वहां पर आपको मैंग्रोव स्पीशीज जो है वो देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव बेसिकली क्या होते हैं, वो ट्रीज और बुशेस जो कि बिलो हाई वाटर लेवल और स्प्रिंग टाइड्स के बीच जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैपेसिटी फॉर सॉल्ट वाटर टॉलरेंस, ये सारी बातें अभी हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए ये जो टाइड्स हैं, ये टाइड्स यहाँ पर आ रही हैं और जो ये शोर लाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम वेव एक्शन, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे, डेफिनेटली अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट है तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी तो होगा, राइट? तो अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है, तो टाइड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आने लगेंगे, मतलब बहुत ही डेंजरस टाइड्स आएंगे वहां पर। तो ये एक तरीके से क्या बनाता है, शेल्टर फॉर एक्वेटिक लाइफ भी काम करता है, राइट? ट्रैप सेडिमेंट टू बिल्ड न्यू लैंड, डेफिनेटली यहाँ पर जो लैंड है उसको सेडिमेंट करके रखता है, मतलब कैसे बांध कर रखता है, अगर ये यहाँ पर ट्रीज नहीं होंगे तो सारा जो सैंड है वो ढह जाएगा समंदर के उससे, ठीक है? तो इस तरीके से इनफैक्ट इट इज अ सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फूड्स, फ्यूल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मेडिसिन, तो ये इस सोर्स का भी काम करता है। इनफैक्ट शेल्टर फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ, तो इस तरीके से हम मैंग्रोव्स की जो इकोलॉजी है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक? चलिए फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये मोस्टली शेलो कोस्टल बेल्ट्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है, ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक ज़ोन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, ठीक? तो ये जो है इट ऑल्सो अकरिंग इन द सब ट्रॉपिकल समर रेनफॉल जोन, सब ट्रॉपिकल समर रेनफॉल जोन में भी अकर करता है, और ये जो है 25 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ओके, ऑल्सो पार्टली इन वार्म टेम्परेट जोन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ग्लोब है, यहाँ पर दिखा हुआ है, तो जितने भी आपको कलर्ड पोर्शंस दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपके क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ओके? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर मैं इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हूँ तो इंडिया में जो मैंग्रोव है वो मेजरली कहाँ पर अकर करता है, वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट एंड ऑन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बहुत सारे जगह में ये हाईली डिग्रेडेड फॉरेस्ट होते हैं। इंडिया में क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मोर देन 40% जो है मैंग्रोव एरिया को लास्ट सेंचुरी में वो खो चुका है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके पीछे, ओके? अगर हम टोटल एरिया की बात करें मैंग्रोव्स इन इंडिया की, तो अबाउट 6,740 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो मैंग्रोव स्पीशीज को बिलोंग करता है, विच इज अबाउट 7% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया ऑफ मैंग्रोव्स। तो यहाँ पर आपको देखिए मैंग्रोव डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोल ऑफ मैंग्रोव्स की। अगर मैं रोल ऑफ मैंग्रोव्स की बात करूं तो सबसे पहला तो क्या है, ये मॉनसूनल टाइडल फ्लड्स जो होता है उनको मॉडरेट करता है, रेगुलेट करता है, और इनंडेशन ऑफ कोस्टल लोलैंड्स को भी रिड्यूस करता है, ठीक? नेक्स्ट है इट प्रिवेंट्स कोस्टल सॉइल इरोशन, डेफिनेटली अभी मैंने आपको इकोलॉजी में समझाया, राइट? वो सॉइल को कैसा करता है, सेडिमेंट करके रखता है। फिर थर्ड है इट सप्लाइज वुड्स, फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स, ये भी हमने देखा अभी इकोलॉजी वाले पार्ट में। इट प्रोटेक्ट्स कोस्टल लैंड्स फ्रॉम सुनामी, हरिकेन्स एंड फ्लड्स, यस अभी हमने देखा। इनफैक्ट ये वहाँ की वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करता है, ओके? फिर इट सपोर्ट्स सी शोर एंड एस्टुरीन फिशरीज, इट प्रोटेक्ट्स इनलैंड एग्रीकल्चरल लैंड्स, होम्स, लाइव स्टॉक एंड एक्वाकल्चर फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक एलिमेंट्स। इनफैक्ट मैंग्रोव जो है वो नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स को भी एनहेंस करता है, जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी नेचुरली रिसाइकलिंग करता है, करते हैं मैंग्रोव स्पीशीज। चलिए फिर क्या है, इट प्रोवाइड्स न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लोकल कम्युनिटीज एंड ऑगमेंट्स देयर लाइवलीहुड, ठीक? तो ये जो है ये सारे क्या है, रोल ऑफ मैंग्रोव है। फिर हम बात करते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव्स की। अच्छा यहाँ पर जो है मैंने एनिमेशन डालना भूल गई हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ रीड करके बता देती हूँ कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा एवरग्रीन इकोसिस्टम होता है। ठीक, मतलब यहाँ पर जो है वो एवरग्रीन इकोसिस्टम जो है, यहाँ के जो पेड़ हैं वो कभी मुरझाएंगे नहीं, सूखेंगे नहीं, तो यहाँ का जो इकोसिस्टम होता है वो एवरग्रीन होता है। इनफैक्ट मैंग्रोव फ्लोरा टॉलरेट्स एंड फ्लरिशेस अंडर हाई सलाइन मड कंडीशन। ठीक, तो मैंग्रोव फ्लोरा जो होते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं, फ्लरिश करते हैं हाई सलाइन और मड कंडीशन में भी। इनफैक्ट इट प्रोड्यूसेस ब्लाइंड रूट्स और न्यूमेटोफोर्स सो एज टू ओवरकम द एनएरोबिक सॉइल कंडीशन। डेफिनेटली यहाँ पे जो रूट्स होते हैं या जिनको हम न्यूमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं, तो अगर यहाँ पर एनएरोबिक सॉइल कंडीशन है तो उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। एनएरोबिक का मतलब क्या हुआ कि अगर वहां पर देखिए सी वाटर है तो सी वाटर की वजह से वहां पर क्या होगा, सॉल्ट प्रेजेंट होगा, सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाएगा सॉइल में। तो ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई है तो ऐसे केसेस में भी जो रूट्स हैं, जो न्यूमेटोफोर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अब अगर मैं न्यूमेटोफोर्स की बात करूँ तो न्यूमेटोफोर्स एक तरीके का एरियल रूट्स होते हैं। एरियल रूट्स का मतलब क्या हुआ, वो रूट्स जो कि ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं और वाटर से वो डायरेक्टली, मतलब एयर से वो डायरेक्टली वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। फिर आता है वाइवापेरिटी। वाइवापेरिटी क्या है कि यहाँ पर जो सीड्स है वो ऑटोमेटिकली मतलब ट्री में ही जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे अगर हम सीड जर्मिनेशन वाला जो स्टेज होता है अगर हम उसकी बात करें तो सीड को पहले हमने क्या किया, मिट्टी में उगाया, उसके बाद वो जर्मिनेट होता है। बट यहाँ पर वाइवापेरिटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीड जो है वो ट्री में ही जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर जब वो बड़े होने लगते हैं तो वो वहां से टूट के गिर जाते हैं और फिर अपने आप ही उसी कंडीशन में सॉइल में वापस से ग्रो करने लगते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वाइवापेरिटी कहते हैं। तो वाइवापेरिटी जो है मैंग्रोव स्पीशीज का बहुत ही कॉमन रोल है, बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। फिर अगर हम बात करें तो मोस्ट मैंग्रोव वेजिटेशन जो है हैज लेंटाइसिलेटेड बार्क। लेंटाइसिलेटेड बार्क का मतलब क्या होता है कि लेंटाइसल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो बाहर का जो बार्क होता है, जो उसका ट्रंक होता है, दैट इज योर व्हाट लेंटाइसिलेटेड विच फैसिलिटेट्स मोर वाटर लॉस। तो यहाँ पे जो उसका ट्रंक होता है ये यहाँ पे क्या होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, वाटर लॉस जो है वो ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट है मैनी मैंग्रोव स्पीशीज प्रोड्यूसेस कोपाइसिस रेडिली। जो बहुत सारे मैंग्रोव स्पीशीज हैं वो कोपाइसिस जो है बहुत ही जल्दी बना लेते हैं। नेक्स्ट है लीव्स ऑफ मैनी स्पीशीज कंटेन सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। डेफिनेटली बहुत सारे स्पीशीज ऐसे होते हैं जिनकी स्पीशीज क्या कंटेन कर रही होती है, सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स कंटेन कर रही होती है। इनफैक्ट यहाँ पर जो सेल ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है वो भी हायर होता है। ठीक, चलिए जैसे देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो पहली वाली पिक्चर है, ये पिक्चर आपको बता रही है एवरग्रीन सिस्टम के बारे में। इट मींस कि कोई भी मौसम हो यहाँ पर आपको हरियाली ही नजर आएगी। तो मैंग्रोव जो है वो कम्प्लीटली एवरग्रीन सिस्टम को सपोर्ट करता है। फिर सेकेंड जो है ये आपको क्या शो कर रहा है, दिस इज योर न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि वो टाइप ऑफ एरियल रूट होता है, जो रूट जो कि अबव द ग्राउंड ग्रो कर रहे होते हैं और डायरेक्टली वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर। एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, और जनरली ये कहाँ पर फॉर्म होते हैं, ये जो है वाटर लॉक्ड सॉइल, जहाँ पर वाटर लॉक्ड सॉइल होता है वहां पर ये ग्रो कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वाइवापेरिटी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यहाँ से ही इस लीफ में ही ये क्या हो गए हैं, जर्मिनेट हो गए हैं। देखिए इस लीफ में ही ये क्या हो गए हैं, जर्मिनेट हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वाइवापेरिटी कहते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है मैंग्रोव स्पीशीज में। फिर देखिए यहाँ पर कि वहाँ के जो लीव्स होते हैं वो सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स
होते हैं। सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सी है वो सॉल्ट सॉल्ट वाटर कंटेन करता है, राइट। सॉल्ट वाटर कंटेन करता है, इट मींस व्हाट, कि क्या हुआ कि सॉल्ट वाटर कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट ग्लैंड्स वो मैंग्रोव प्लांट्स में होते हैं जो कि एक्सेस सॉल्ट को रिमूव कर देते हैं यूजिंग आयरन ट्रांसपोर्टर्स। तो इनके पास स्पेशल ग्लैंड प्रेजेंट होता है मैंग्रोव स्पीशीज में कि जो एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट है, राइट। अब एक्सेस सॉल्ट कहाँ से आएगा, एयर में भी सॉल्ट प्रेजेंट होगा, राइट, पानी में भी इनको सॉल्ट मिल रहा है, तो जो एक्सेस सॉल्ट है वो उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं यूजिंग आयरन ट्रांसपोर्टर्स, ठीक। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू क्रिएट अ कंसेंट्रेटेड सोडियम सॉल्यूशन। और इस तरीके से देखिए ये जो एक्सेस सॉल्ट्स हैं वो बाहर आ गए हैं, ठीक। तो इससे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट सिक्रेटेड ग्लैंड्स कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ लोकैलिटी की। फैक्टर्स ऑफ लोकैलिटी का मतलब कि अगर कोई मैंग्रोव स्पीशी है तो उसके लिए लोकैलिटी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे उसके एडाफिक कंडीशन की। एडाफिक कंडीशन की अगर बात की जाती है तो एडाफिक कंडीशन जो है वो किससे रिलेटेड है, ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है। ये बताता है कि वहां की टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल की कंडीशन कैसी है, उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, एडाफिक कंडीशन कहते हैं। तो अगर मैं मैंग्रोव हैबिटेट की बात करती हूँ तो यहाँ पर देखिए जो लेंथ होगा, क्वांटिटी होगी ट्रीज की, जो लेंथ है उनकी क्वांटिटी है, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, और रेनफॉल ही जो है वो डिटरमाइन करेगा वाटर की सलाइनिटी को। सी वाटर की सलाइनिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पे डिपेंड करेगी। इनफैक्ट जो डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी डेल्टा फॉर्मेशन जो हो रहा है, डेल्टा बेसिकली क्या होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं जो कि कहाँ से फॉर्म होते हैं, रिवर्स से। रिवर्स जो है अपने वाटर जो है वो एम्प्टी कर देते हैं और सेडिमेंट इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर, ऐसे को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा फॉर्मेशन जो है वो डेलिकेट बैलेंस बनाता है बिटवीन टाइप एंड अमाउंट ऑफ रिवर सेडिमेंट। डेफिनेटली डेल्टा का मतलब ही क्या होता है, आपने ऑलरेडी डेल्टा का मतलब जो है ज्योग्राफी वाले पोर्शन में पढ़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो सी अकॉर्डिंग टू सी लेवल जो है वो चेंज होती रहेगी। इनफैक्ट द अंडरलाइंग जियोलॉजी एंड जर्मोफोलॉजी एंड द वेव एंड टाइडल फोर्स वेयर द रिवर मीट्स द सी, ये बात जो है हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्लाइड्स में किया हुआ है कि वहाँ का जो वेजिटेशन होगा वो इन सारे फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा होगा। अब हम बात करते हैं सॉइल की। तो अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल्स जो है मैंग्रोव्स का वो वेरी कर रहा होता है, बहुत ही वाइडली वेरी कर रहा होता है। ये किस पर डिपेंड करेगा, सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल का जो नेचर है वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा, इट डिपेंड्स अपॉन सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द रिवर एंड बिलो जियोलॉजी। डेफिनेटली जो डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है तो डेल्टा फॉर्मेशन की वजह से सॉइल के रिवर के जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट होंगे बाय द रिवर एंड बिलो जियोलॉजी। फिर ये जो सॉइल्स हैं वो हाईली सोडिक होंगे ड्यू टू सॉल्ट्स कंट्रीब्यूशन बाय सी वाटर। इनफैक्ट ये जो सॉइल वाटर पोटेंशियल है ये बहुत ही लो होगा एंड वेरी वाटर पोटेंशियल जो है बहुत ही लो होगा, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो हाई होगा ड्यू टू दिस सॉल्ट एडिशन। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको मैं बहुत ही अच्छे एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आप किशमिश लीजिए और किशमिश को रात भर पानी में डुबा कर रख दीजिए। अब आप सुबह देखेंगे तो किशमिश जो है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा, है ना। तो वो किस वजह से हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है कि जब सेल्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं या सॉल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। इसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो देखिए अब सी वाटर है तो सी वाटर में क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। तो सॉल्ट प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ के जो स्पीशीज होंगे उनके जो सेल्स होंगे वो बहुत ही जल्दी स्वेल हो जाएंगे, और इसी वजह से उनके पास क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है, यानी कि एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट होने की वजह से जो सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है वो क्या करेंगे, सॉल्ट सिक्रीट करेंगे,
राइट। तो ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड मैंग्रोव सफर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। इसी वजह से प्लांट्स जो मैंग्रोव्स में जो प्लांट स्पीशीज होते हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल जो है वो सफर कर रहे होते हैं। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। इस कंडीशन को हम फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कहते हैं। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन की। तो मैंग्रोव वेजिटेशन की अभी हमने बात करी, अभी मैंने आपको बताया कि वो एक एवरग्रीन इकोसिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ 23 फैमिली, 32 जेनेरा एंड मोर देन 75 स्पीशीज। ठीक, तो अगर हम मैंग्रोव वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर ये हमेशा एवरग्रीन इकोसिस्टम होगा जिसमें 23 फैमिली होगी, 32 जेनेरा होगा और मोर देन 75 स्पीशीज जो है वो यहाँ पर हो रही होंगी। ठीक, तो बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सॉइल सलानिटी एंड इनेंडेशन इंटेंसिटी, मैंग्रोव वेजिटेशन जो है हम उनको तीन क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये फॉलोइंग है, ठीक है, फॉलोइंग टाइप हो गया है, फॉलोइंग थ्री क्लासेस। पहला होता है आपका न्यूक्लियर वेजिटेशन। न्यूक्लियर वेजिटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटाइडल जोन में अकर होंगे। ये ध्यान से लिख लीजिएगा, न्यूक्लियर वेजिटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटाइडल जोन्स पर अकर करेंगे जहां पर सलाइनिटी इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा होगी। सलाइनिटी इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा होगी और इस वजह से यहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो ऑब्लिगेट हेलोफाइट्स होंगे। हेलोफाइट्स कौन होते हैं, वो प्लांट जो अडाप्ट करते हैं ग्रोइंग इन सलाइन कंडीशंस, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि सलाइन कंडीशंस पे ग्रो कर सकते हैं ऐसी स्पीशीज उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेजिटेशन हुआ इसका आपको जो पहला पॉइंट लिखना है वो ये कि ये इंटरटाइडल जोन में अकर करते हैं जहाँ पर सलाइनिटी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हाई होती है और प्लांट्स जो हैं वो डेफिनेटली यहाँ के ऑब्लिगेट हेलोफाइट्स होंगे शोइंग वाइवोपोरस नेचर। अभी हमने पढ़ा कि वाइवोपोरस क्या होता है, तो वाइवोपोरस नेचर शो करेंगे और यहाँ के जो वो न्यूमेटोफोर होंगे और सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होंगे, ऐसी स्पीशीज होंगे यहाँ पर कम्प्लीटली। कौन सी वेजिटेशन में, न्यूक्लियर वेजिटेशन में जो कि इंटरटाइडल जोन में अकर करती है। और यहाँ का जो मेन स्पीशीज है वो है राइजोफोरा मैंगल, आर हेरिसोनी, पेरिस्टेरा राइजोफोरे, एविसिनिया जर्मिनेंस एंड लेग्यूंगुला एंड लेगेंगुलेरिया रेसमोसा। ठीक, काफी टंग ट्विस्टर्स नाम है। ओके, चलिए मार्जिनल वेजिटेशन की बात करते हैं। तो मार्जिनल वेजिटेशन जो है ये जो है लो लैंड फ्रिंजेस ऑफ सीजनल, यहाँ पर ये जो वेजिटेशन है वो लो लैंड फ्रिंजेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए न्यूक्लियर वेजिटेशन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, इंटरटाइडल जोन में। ठीक, ये जो मार्जिनल वेजिटेशन है ये लो लैंड फ्रिंजेस में एग्जिस्ट करेगा, लो लैंड फ्रिंजेस में। ठीक, अब लो लैंड फ्रिंजेस में ये एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो सीजनल फ्रेश वाटर स्वैम्प्स होंगे, बीचेस होंगे। यानी कि मार्जिनल का मतलब क्या हुआ कि जो बीच वाला, सी बीच वाला एरिया होगा, दैट इज ओके। तो वहां पर आपको कौन कौन सी स्पीशीज देखने को मिलेंगे, आपको वहां पर देखने को मिलेगा कोनोकार्पस इरेक्टा, मोरो ओलेरीफेरा एंड एनेनोग्लाबेरा। ओके, नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल फैकल्टेटिव वेजिटेशन। फैकल्टेटिव वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ कि ये भी जो है वो आपको सी बीच वाले एरियाज में ही देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे जो वेजिटेशन होंगे वो सिलेक्टिव होंगे, राइट, अपने मतलब आपको ऑप्शनल वेजिटेशन मिलेगा। मतलब ये उसी एरिया में आपको ग्रो करते दिखेगा, आपको न्यूक्लियर वेजिटेशन में नहीं मिलेगा, मार्जिनल वेजिटेशन में नहीं मिलेगा। ठीक, तो ऐसे स्पीशीज हैं आपके कैरेपाग्योनेंसिस, इलियासिस, ओलिफेरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉरेस्ट टाइप्स की, जो मैंग्रोव स्पीशीज से भरे होते हैं तो ऐसे फॉरेस्ट टाइप्स की हम बात करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है चैंपियन एंड सेठ ने दी हुई थी, तो ये जो फॉरेस्ट टाइप जो आएगा वो ग्रुप नंबर 4 का आएगा, यानी कि लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट में। मैंने अपने फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही बताया था कि लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट जो होते हैं वो जनरली कोस्टल एरियाज वाले फॉरेस्ट होते हैं। और हम इनके सब ग्रुप की बात करें तो सब ग्रुप जो है वो आएगा आपका 4B, टाइडल स्वैम्प फॉरेस्ट। ओके, तो चलिए इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपको MCQs जो है वो बन सकते हैं। जैसे टाइप 4B
TS, Tidal Swamp Forest. तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है इसका? कृष्णा, गोदावरी एंड सुंदरबन बेल्ट में आपको मिलेगा. फॉरेस्ट कैटेगरी जो है यहाँ पर मैंग्रोव श्रब स्क्रब की है. और स्पीशीज आपको मिलेंगे एविसिनिया, एक्सोकेरिया, सीरियस सीरियोप स्पीशीज. ठीक, तो आप एक बार जो है इस टेबल को देख लीजिएगा, यहाँ पर जो भी है आप गो थ्रू कर लीजिएगा, तो फिर आपको ये जो है समझ आ जाएगा. ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं जोनेशन इन मैंग्रोव्स की. जोनेशन का मतलब क्या हुआ कि आप मैंग्रोव्स को किस तरीके से बांटते हो, कैटेगराइज करते हो. ओके, तो मैंग्रोव्स जो है वो टिपिकली जोनेशन शो करते हैं. इंडिया में जोनेशन को हम बहुत ही डिस्टिंक्टिव, बहुत ही मे बी वेरी डिस्टिंक्टिव, और हम यहाँ पर अगर हम जोनेशन की बात करते हैं इंडिया लेवल पे, तो ये जो है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है बहुत ही डिस्टिंक्टिव होता है, और मर्जिंग वाला जो आएगा वो आएगा आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में. तो ब्रॉड और जनरल डिस्टिंक्शन जो है हम यहाँ नीचे डिस्क्राइब कर रहे हैं. सबसे पहला है आपका प्रॉक्सिमल जोन. प्रॉक्सिमल जोन जो है यानी कि जो फ्रंट के मैंग्रोव्स होंगे, ठीक, उस जोन को हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल जोन कहेंगे. अब ये जोन जो है वो दिस इज टुवर्ड सी वाटर. सी वाटर मैंने आपको बताया ना, फ्रंट मैंग्रोव बोला तो सपोज ये सी है, तो यहाँ पर जो सी के सबसे सामने में जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल जोन कहेंगे. ओके, तो यहाँ पे जो स्पेशली मैंग्रोव स्पीशीज जो हैं वो स्पेशली अडेप्टेड होते हैं स्टिल्ट रूट से, प्रॉप रूट से. क्यों, देखिए अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया स्टिल्ट, STILT, स्टिल्ट और प्रॉप रूट्स. तो ये जो रूट्स हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स हैं, क्योंकि देखिए अगर ये सी है, ये पूरा सी है, और यहाँ पर ये जो स्पीशीज है वो ग्रो कर रहे हैं इस तरीके से. ठीक, अभी तो इनके जो रूट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि यहाँ पर देखिए पानी का जो फ्लो है, टाइड्स का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है. तो ये जो रूट्स हैं ये इसको प्रॉपरली होल्ड करके रखे, प्रॉपरली एंकर प्रोवाइड करे, ताकि ट्री जो है वो खड़ा रहे, है ना, स्टेबिलिटी रहे, स्टेबल रहे. तो इस वजह से यहाँ के जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, स्टिल्ट और प्रॉप रूट्स होंगे फॉर स्टेबिलिटी एंड एंकरेज. ओके, एंकरेज ये वाला ANCHORAGE, एंकरेज का मतलब क्या होता है, जकड़ के रखना. ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली जकड़ के रखे इस वजह से. अब अगर हम यहाँ के मेन स्पीशीज की बात करें तो राइजोपोरा एपिक्यूलेटा, राइजोपोरा म्यूक्रोनाटा, अविशीनिया स्पीशीज, सोनेरेटिया, कैसियोलारिस आर ऑल्सो फाउंड. ओके, तो ये जो है आप देख लीजिएगा एक बार. फिर है मिडिल जोन. मिडिल जोन को हम मिड मैंग्रोव्स कहते हैं, और ये जो जोन है वो कोर जोन, मैंग्रोव के कोर जोन को रिप्रेजेंट करता है. मेन स्पीशी जो है यहाँ का वो है, आप देख लीजिएगा एक बार, ब्रुगेरी, जिम्नोरोइजा, बी स्लेंड्रिका, लुमेंजेरा, रेसमोसा, एल लिटोरिलिस. ये सब हम जब सिल्विकल्चर ऑफ ट्रीज पढ़ रहे होंगे तो हम उसमें अलग अलग ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, फिर नेक्स्ट है डिस्टल जोन, जिसको हम बैक मैंग्रोव्स कहते हैं. तो यहाँ पर जो है ये जोन जो है वो टुवर्ड्स लैंड रीजन होगा. ठीक, दिस जोन इज टुवर्ड्स लैंड रीजन, सब्जेक्टेड टू लेस सी एक्शन. मतलब लैंड एरिया मतलब जो दूर होंगे एकदम. यहाँ पे देखिए पहला तो ये प्रॉक्सिमल जोन आया, फिर मिड वाला जोन आया, मिडिल जोन, फिर जो लैंड एरिया में होगा सपोज यहाँ पर है, दूर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल जोन कहेंगे. तो उसके भी जो स्पीशीज है, मेन स्पीशीज है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. चलिए अब हम बात करते हैं इन्यूमरेशन की. इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी कोस्टल एरिया में या मैंग्रोव फॉरेस्ट में किस तरीके के, कितनी स्पीशीज वहां पर अकर कर रही है, उनका कैलकुलेशन, उनका मेजरमेंट, कि वहां पर जो ट्रीज हैं उनके बार्क का विड्थ कितना है, उनकी हाइट कितनी है, प्रॉपरली ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है. क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली वहाँ के नेटिव्स को क्या कर रही है, बेनिफिट्स ही पहुँचा रही है. मेडिसिनल पर्पस हो गया, बिल्डिंग पर्पस के लिए उनको वुड्स मिल रहे हैं बहुत सारे, तो मतलब वहाँ से भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी जो है वो आ रही है, प्रोडक्शन के लिए ही उसको इस्तेमाल किया जा रहा है. तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्यूमरेशन करेंगे, राइट, ये देखने के लिए कि ट्रीज जो है वो प्रॉपरली ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं.
ठीक, तो मैंग्रोव वेजिटेशन जो है उनको इन्यूमरेट किया जाता है आइदर बाय लाइन प्लॉट सैम्पलिंग और स्ट्रिप सैम्पलिंग से। ठीक, तो लाइन प्लॉट सैम्पलिंग क्या होती है कि यहाँ पर जो लाइंस हैं उनको डिमार्केट किया जाता है एट 100 मीटर इंटरवल। डिमार्केटेड का मतलब क्या हुआ, मार्किंग ऑफ लिमिट्स। अगर हम लिमिट्स की बात करें तो 100 मीटर इंटरवल में जो है यहाँ पर डिमार्केशन जो है वो किया जाता है। और इस लाइंस में जो सर्कुलर प्लॉट्स होते हैं, सपोज ये कोई एरिया है, ठीक, तो यहाँ पर हमने जो लाइंस जो है वो 100 मीटर इंटरवल पे हमने डिमार्केशन की, और विद इन द लाइन सर्क्यूलर प्लॉट्स जो होंगे वो 5.64 मीटर रेडियस के होंगे, मेट एट 100 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 100 मीटर, इन दोनों के बीच जो है 100 मीटर का डिस्टेंस होगा। ठीक, और ये जो है ये आपको 1% सैम्पलिंग देता है। सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट का पॉपुलेशन, जैसे सपोज ये एक पर्टिकुलर पार्ट है, तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हमने क्या कह दिया, सैम्पलिंग कह दिया। ठीक, तो अब देखिए आप किस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हो। नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इज इक्वल टू एपी बाई ए, वेयर एपी क्या होता है आपका एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया सैम्पल्ड। ठीक है, कितने फॉरेस्ट एरिया को आपने, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया को आपने जितना सैम्पल किया है वो, अपॉन ए, ए क्या है आपका एरिया ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, स्मॉल ए अपॉन डीएल इंटू डीपी। डीएल क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, और डीपी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लॉट्स। और एपी जो है उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, एफ इंटू ए। ठीक, इस तरीके से जो है आप उसको कैलकुलेट करते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिप सैम्पलिंग। स्ट्रिप सैम्पलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सैम्पलिंग है वो कंटिन्यूअस स्ट्रिप्स के फॉर्म में यूनिफॉर्म विड्थ बनाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो विड्थ बनाए जा रहे हैं वो किसके अक्रॉस, टोपोग्राफिक ग्रेडियंट के अक्रॉस और ड्रेनेज पैटर्न, ताकि सारे फिजियोग्राफिक कंडीशंस जो हैं उनको कवर किया जा सके। ठीक, तो अगर आप फर्स्ट स्ट्रिप बना रहे हो तो उसको आपने रैंडमली सिलेक्ट किया, और उसके बाद हर स्ट्रिप जो है वो रेगुलरली स्पेस किया जाएगा। सपोज कि ये कोई एरिया है, आपने यहाँ से स्ट्रिपिंग स्टार्ट करी रैंडमली, अब इसके बाद जो है रेगुलर गैप्स आप मेंटेन करेंगे, रेगुलर स्पेस मेंटेन करेंगे, और स्ट्रिप की जो विड्थ रेंज होगी वो 10 टू 20 मीटर एंड 500 मीटर इज अलाउड बिटवीन द स्ट्रिप्स। ओके, फिर है यहाँ पर कि इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द एक्चुअल विड्थ ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ ट्रीज इनसाइड द मैनग्रूव्स। डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट इज मेजर्ड अबाउट 30 सेंटीमीटर ऑफ द हाइएस्ट टिल्ट रूट इन केस ऑफ राइजोफोरा। ठीक है, डीबीएच जो है वो किससे अबोव मेजर किया जाता है, अबाउट 30 सेंटीमीटर ऑफ द हाइएस्ट टिल्ट रूट इन केस ऑफ राइजोफोरा। और हाइट ऑफ ट्रीज जो है उसको हम किसके मदद से मेजर करते हैं, बाय यूजिंग क्लिनोमीटर्स। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैनग्रोव स्पीशीज में ट्रीज को जब हम मेजर करते हैं तो वो किसकी मदद से उनको मेजर किया जाता है। तो इट इज मेजर्ड यूजिंग क्लिनोमीटर्स और क्रिस्टियन हाइप्सोमीटर, हिप्सोमीटर भी उसे कहते हैं, क्रिस्टियन हिप्सोमीटर जो है उसे वो भी कहा जाता है। तो इससे आपको जो है एमसीक्यू पूछ सकता है। फिर बात आती है बार्क थिकनेस की, तो बार्क थिकनेस जो है उसको हम बार्क गेज के मेजर से मदद से मेजर करते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं रीजनरेशन टेक्निक्स की। तो अगर मैं रीजनरेशन टेक्निक्स की बात करती हूँ तो रीजनरेशन टेक्निक्स जो है उसमें सबसे पहला आता है नेचुरल रीजनरेशन। तो नेचुरल रीजनरेशन जो है वो वायवापरिति के थ्रू आता है, राइट। हमें तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, नेचुरली हो रहा है रीजनरेशन। तो अगर एडवांस ग्रोथ हो रहा है, वायवापरिति हो रही है सीडलिंग्स की, और सीड्स जो है वो ट्री से रिलीज हो रहे हैं। तो अगर हम रीजनरेशन स्टेटस की बात करें तो रीजनरेशन जो है वो तीन क्लासेस में मेजरली क्लासिफाई की जाती है। सबसे पहला होता है क्लास वन। क्लास वन में क्या होता है कि एरिया जो है वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 150 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया, आप सपोज यहाँ पर आप मैनग्रोव फॉरेस्ट में फॉरेस्ट्री अप्लाई कर रहे हो, फॉरेस्ट्री टेक्निक सिल्विकल्चर टेक्निक्स को अपना रहे हो, सिल्विकल्चर सिस्टम्स को अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपने क्या किया
कि आपने कोई एरिया चूज किया ताकि वहां पर क्या हो, रीनेचुरल रीजनरेशन हो, तो जो एरिया है वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 150 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ठीक, फिर सेकंड जो है वो क्या होता है, सेकंड क्लास कब होता है, जब एरिया जो है वो 30 सेंटीमीटर से क्या होता है, 30 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, बट पोटेंशियल रीजनरेशन जो है वो कब होगी, 1.5 to 3 meter की एरिया में। ठीक, पोटेंशियल रीजनरेशन तो इतनी एरिया में ही होगी। फिर क्लास थर्ड की अगर हम बात करें तो एरिया हैविंग सैपलिंग्स ऑफ 3 to 5 meter, तो ये आपका हो गया नेचुरल रीजनरेशन के 3 stages। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन की। तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन की बात करें तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन होती है वो नर्सरी की टेक्निक से ही होगी, और राइजोफोरा जो है, राइजोफोरा जो स्पीशी है उसको नर्सरी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे नर्सरी की जरूरत किसको पड़ती है, जैसे स्मॉल सीडेड स्पीशीज हो गए जिनके सीड्स बहुत स्मॉल होते हैं, जैसे सोनारिटिया हो गया, एविसेनिया एंड एक्सोशेरिया एगोलोचा, तो ये जो है तो इनको रिक्वायर पड़ती है नर्सरी की, क्योंकि यहाँ पे जो सीड्स हैं वो क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, अगर आप वहां पर उनको ग्रो करोगे तो वो इजिली वॉश ऑफ हो जाएंगे बाय द वाटर, और स्पेसिंग जो है वो भी स्पीशीज के अकॉर्डिंग वेरी करती है, और आप उसमें किस तरीके की सिल्वीकल्चरल सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हो, उसकी सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस बेसिस पे अगर आप नर्सरी के आर्टिफिशियल रीजनरेशन कर रहे हो तो स्पेसिंग जो है वो वेरी कर रही होगी। अब देखते हैं कि जो कॉमन स्पेसिंग है वो किस तरीके से अडॉप्ट की जाती है। जो आर एपिकुलाटा है, जो ये स्पीशी है, इसके लिए आप जब स्पेसिंग करोगे तो 1.5 meter की स्पेसिंग होनी चाहिए एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी के बीच, और अगर आर म्यूक्रोनाटा है तो 1.8 meter की स्पेसिंग होनी चाहिए। ये जो डाटा है इसको आप याद रखिए, जितने भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप जरूर याद रखिए, क्योंकि उससे आपको डेफिनेटली एमसीक्यू जो है वो पूछे जा सकते हैं। फिर आता है कि जब एरियल सिडलिंग, एक तो हमने देखा नर्सरी और फिर दूसरा है एरियल सिडलिंग, तो जब एरियल सिडलिंग किस किस की होती है, ए अल्बा एंड ए ऑफिसिनलिस। ठीक, तो ये कब ऑब्जर्व किया गया, 1989 में, इज ऑल्सो कैरिड आउट इन मैंग्रोव्स विच गेव अबाउट 50% सक्सेस इन सिडलिंग एस्टैब्लिशमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली बन सकता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वीकल्चरल सिस्टम इन मैनग्रूव्स की। मैनग्रूव्स में आप कौन कौन से सिल्वीकल्चरल सिस्टम को अपनाते हो, तो विद एक्सेप्शन ऑफ एशिया, एशिया को छोड़कर बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वहां पर मैनग्रूव्स को लेकर एज सच कोई भी सिस्टमैटिक कल्चर या मैनेजमेंट जो है वो रिसोर्स तक अप्लाई किया जाता है। ठीक, तो ऑल ओवर द ट्रॉपिकल वर्ल्ड मैनग्रूव्स आर रेगुलरली हार्वेस्टेड बाय कोस्टल कम्युनिटीज टू मीट देयर नीड्स, बट मैनग्रूव यूज इज नॉट कन्फाइंड टू सब्सिस्टेंस स्मॉल स्केल हार्वेस्टिंग। अगर हम मैनग्रूव की बात करें तो ये सब्सिस्टेंस स्मॉल स्केल हार्वेस्टिंग में यूज नहीं हो सकती, उनके लिए ये डेफिनेशन सही नहीं है। सब्सिस्टेंस और स्मॉल स्केल हार्वेस्टिंग जो है हमने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एशिया को छोड़कर बहुत सारे कंट्रीज में मैनग्रूव फॉर्मेशंस के लिए कोई भी ऐसा सिस्टमैटिक सिल्वीकल्चर या मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक, सिर्फ और सिर्फ एशिया को छोड़कर, एशिया में जो है बहुत सारे सिल्वीकल्चरल टेक्निक्स और सिस्टम्स जो है मैनग्रूव्स के लिए अप्लाई किए जाते हैं। तो कौन कौन से अप्लाई किए जाते हैं, सबसे पहला है हमारा क्लियर फेलिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है क्लियर फेलिंग सिस्टम, सबसे पहले ये देखिए क्लियर फेलिंग सिस्टम कहाँ कहाँ पर अडाप्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। तो क्लियर फेलिंग सिस्टम जो है कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, थाईलैंड में, मलेशिया में और इंडोनेशिया में। ये आप पॉइंट जो है डेफिनेटली नोट डाउन कीजिए अपने नोट्स में और लिख के रखिए, क्योंकि इससे भी आपको एमसीक्यू जो है वो बन सकता है। मैनग्रूव्स में जो क्लियर फेलिंग सिल्वीकल्चरल सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया में। इनफैक्ट इन द पास्ट इट वेयर ऑल्सो यूज इन वियतनाम, वियतनाम में भी इसको पहले यूज किया जाता था। अब इस सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम किसके लिए सुटेबल है, इट इज सुटेबल फॉर राइजोफोरा एपिकुलाटा एंड राइजोफोरा कॉन्जुगाटा। ठीक, ये इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और
ऐसी स्पीशीज के लिए जो काफी स्ट्रांग है, लाइट डिपेंडिंग स्पीशीज है और कैन विदस्टैंड कॉम्पिटिशन इन ओपन एरियाज. कॉम्पिटिशन के साथ साथ ये सर्वाइव कर सकते हैं और खड़े रह सकते हैं, मतलब कंपटीशन दे सकते हैं अपने और भी स्पीशीज को. तो ऐसे स्पीशीज के लिए क्लियर फेलिंग सिस्टम जो है वो काफी अच्छा सिस्टम माना गया है. ओके अब नेक्स्ट जो है वो है आपका सिलेक्शन सिस्टम. तो सिलेक्शन सिस्टम जो है वो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार. तो सिलेक्शन सिस्टम इंडिया में जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि इंडिया में ये सिस्टम जो है वो प्रैक्टिस की जाती है, इंडिया के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान में. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रीज हैं वो अपने प्री डिटरमाइंड डायमीटर से, मतलब जो सर्टेन प्री डिटरमाइंड डायमीटर्स हैं, तो उनको एनुअली कूप से हार्वेस्ट किया जाता है. कूप्स क्या होता है ये भी हमने किया हुआ है. और जो सुंदरबंस जो है वो मैनेज किए गए थे अंडर सिलेक्शन सिस्टम इन 1892 एंड 1892-93. सबसे पहले सुंदरबन एरिया में, सुंदरबंस में क्या किया गया था, इस सिलेक्शन सिस्टम को मैनेज किया गया था. ठीक, सुंदरबंस जो है वेयर मैनेज, सुंदरबंस वेयर मैनेज अंडर सिलेक्शन सिस्टम इन 1892-93. तो ये जो है यहाँ से आपको एमसीक्यू जो है वो बन सकता है. फिर क्या हुआ कि जब फर्स्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर द फॉरेस्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, कब किया गया था? जब फर्स्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर द फॉरेस्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था? 1933 में. ठीक, तो मॉडिफाइड सिलेक्शन सिस्टम हैज प्रूव टू बी वेरी अप्रोप्रिएट फॉर दैट सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉर द फॉरेस्ट. तो इसको बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट माना गया है इन द सिल्विकल्चरल सिस्टम इन मैनग्रूव्स. तो ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिल्विकल्चरल सिस्टम है. फिर है आपका सिलेक्शन कम इम्प्रूवमेंट सिल्विकल्चरल सिस्टम. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंग्रोव सुंदरबन से इजी, स्पेशली जैसे सुंदरबन मैंग्रोव्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर स्पेशली राइजोफोरा रेस्मोसा जो है 2 साल के प्लांटिंग के बाद मैनेज करने के लिए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये सिलेक्टेड स्पीशीज पे काम किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड स्पीशीज जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके. ठीक, जैसे स्पेशली किसके लिए अप्लाई किया जाता है ये? राइजोफोरा रेसमोसा. तो इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इस सिल्विकल्चरल सिस्टम को, मैनग्रोव के इस सिल्विकल्चरल सिस्टम को किसके लिए, स्पेशली किसके लिए अडॉप्ट किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है? तो वो है आपका राइजोफोरा रेसमोसा. ओके, और अगर हम बात करें तो इस सिल्विकल्चरल सिस्टम को प्रोडक्टिविटी के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे टिम्बर, फ्यूल वुड, पल्प वुड एक्सट्रैक्शन के लिए. ठीक, तो इस तरीके से. आज का हमने अपने इस लेक्चर में मैनग्रूव्स वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है. हम अपने आने वाले लेक्चर में कोल डेजर्ट जो है उसको बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं. डियर व्यूवर्स, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी मेहनत को प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो आप प्लीज जो है मुझे सपोर्ट कीजिए. और अगर आप अपने ACF की तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जो कि बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको पेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको फ्री में सारे लेक्चर जो हैं वो भी डेप्थ तक हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. और डेफिनेटली आप देखेंगे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो मेरे लेक्चर से आपको क्वेश्चन जो है वो सीधे निकल कर आएंगे, मेरे लेक्चर से आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तब आप मुझे हार्टिली थैंक्स कहेंगे. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि लेक्चर्स को डेली बेसिस पे फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग.